सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज नवरात्रि का नवा दिन है और इस उत्सव का आगाज मैं कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगी। रोशनी की कतारें हों, फूलों की बहारें हों, प्रेम शांति से भर जाए सबका मन, स्वस्थ और निरोगी रहे सबका तन। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की शाम का आगाज करते हैं। आज की वक्ता है बहन मीनू कुरान। बहन मीनू एक शांत, सौम्य, सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी है। इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये 16 साल कार्यरत रही। जी टीवी के एचआर डिपार्टमेंट में भी इन्होंने कार्य किया है और ये हार्टफुलनेस पद्धति का पिछले 20 सालों से अभ्यास कर रही हूँ। इतना ही नहीं, बहन मीनू एक प्रशिक्षिका हैं, वे सोशल मीडिया टीम की सदस्य हैं, एचएफएन के स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम की वो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और एचएफएन कैंपस प्रोग्राम की जोनल फैसिलिटेटर हैं। तो बहन मीनू के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। बहन मीनू को बुलाते हैं और उनसे हम आज के उत्सव के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी बहन मीनू खुराना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर दीपा फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और आप सभी का स्वागत है आज के आखिरी नवरात्र को जो हम उत्सव मना रहे हैं। और हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जब नवरात्र आते हैं हमारी लाइफ में तो बहुत चेंजेस आ जाते हैं और मूड भी हमारा बदल जाता है, क्योंकि इतने पावन डेज ये होते हैं जो नवरात्र होते हैं। सब कुछ परिवर्तन हम परिलक्षित होता है सब जगह, जैसे कि ऋतु परिवर्तन है और नेचर में तो परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन भी हम लोग महसूस करते हैं। बिकॉज इन दिनों में ज्यादातर हम लोग जब नवरात्र रखते हैं तो हमारी मेंटल स्टेट भी चेंज होने लगती है। हम ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक और रुझान हमारा जो है वो बढ़ जाता है। तो इन दिनों को सेलिब्रेट करते करते आज हम आखिरी दिन पर आ गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन दिनों में आप सब ने पहली बार नवरात्रि फास्ट करते करते साथ में देवी को अनुभव करने की भी कोशिश की हमारे साथ। तो आज चलते हैं हमारे आज की हमारे जो देवी माँ हैं उनकी तरफ। तो आपको सबको पता है कि हम हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है और हम जो हार्टफुलनेस से जो वॉलेंटियर्स हैं वो सब वही उन्हीं के साथ कार्यरत हैं। और 75 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं हार्टफुलनेस को ध्यान करना सिखाते हुए। तो आज जो है नवरात्रि का 9वां दिन है। इस नवरात्रि का 9वें दिन जिसे हम नवमी भी कहते हैं, और हमें सबको पता है कि नवमी जो है काफी शुभ तिथि भी मानी जाती है और यह दुर्गा पूजा का अंतिम दिन है। तो इस दिन जो है माँ सिद्धिदात्री देवी माँ की पूजा की जाती है, जो कि दुर्गा माँ का 9वां स्वरूप है। इनकी पूजा जैसा कि हम आज कर रहे हैं, ये आखिरी दिन है नवरात्रों का जब हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। देवी सिद्धिदात्री के अगर रूप का वर्णन किया जाए तो उनका जो रूप है वो अत्यंत सौम्य है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसीन है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी भुजा में माता ने चक्र और गदा धारण किया है और बाईं भुजा में शंख और कमल का फूल।
माँ सिद्धि धात्री, इनके अगर अर्थ की ओर जाया जाए तो हम जानेंगे उनके अर्थ से ही, उनके नाम से ही उनका अर्थ का पता लग जाता है कि सिद्धि यानी अलौकिक दिव्य शक्तियां, सिद्धि, और धात्री का मतलब है देने वाली। तो सिद्धि धात्री माँ का जो अर्थ हो गया वो अलौकिक, इस लोक से परे भी अलौकिक दिव्य शक्तियों को देने वाली जो देवी हैं वो सिद्धि धात्री ही हैं। सिद्धि धात्री देवी के बारे में अगर हम थोड़ा उसमें जाएं, अगर सृष्टि सृजन के टाइम पर हम चले जाएं, जब सृष्टि का निर्माण होना था, हुआ नहीं था, तो हम जानेंगे कि, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, सोच के देखिए कि अगर हम जब बात कर रहे होते हैं, जब हम देवी का व्याख्यान कर रहे होते हैं, तो अगर हम डिस्क्राइब करते करते महसूस करने लग जाएं, तो सही में हम उस पल को भी महसूस कर पाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्रिएशन की, जब सृष्टि का सृजन होना था उस समय की बात है, और यह कथा माता सिद्धि धात्री के बारे में कही जाती है कि जब कुछ नहीं था सृष्टि में, तब संपूर्ण अंधकार था, और जब संपूर्ण अंधकार था तो अचानक ही एक, जब रियलिटी कहीं छुपी हुई थी, कुछ होना था शायद, तो अभी कंसील था, सब बंद था, कुछ नहीं पता, सब अंधकार है सब जगह। तो अचानक से कुछ हलचल हुई और एक किरण वहां से बाहर आई, एक प्रकाश की किरण वहां से फूटी, और वो प्रकाश बहुत 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 बड़ा होकर हर जगह फैला, बहुत तेजी से फैला, बहुत बहुत एनर्जी जो है बहुत जोर से, विद फुल पावर सब जगह फैल गई, और धीरे धीरे उस एनर्जी ने एक आकृति का रूप ले लिया, और वो आकृति जो है वो देवी माँ महाशक्ति की आकृति बनी। देवी माँ वहां से प्रकट हुई, महाशक्ति, और महाशक्ति के आने से, महाशक्ति ने ही, जब कहते हैं हार्टफुलनेस में, ताजी भी कहते हैं कि जब गॉड का जन्म हुआ तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवताओं का जन्म महाशक्ति से हुआ, उन्होंने इन देवताओं को जन्म दिया, और उन्होंने इन देवताओं को चिंतन करने के लिए कहा, आत्मचिंतन करें और ये बताएं कि इस संसार को कैसे चलाया जाए। तो जो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश गए और गहन तपस्या उन्होंने की, और जब वो गहन तपस्या के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि देवी माँ सिद्धि धात्री वहां प्रकट हुई, और देवी सिद्धि धात्री ने उनको, अब उनको जो है अपने ही प्रतिरूप, दो और प्रतिरूप जो है उनको उनकी पत्नी के रूप में दिए, जो देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी का रूप लिया, और जिन्होंने देवी लक्ष्मी, जिन्होंने विष्णु भगवान की पत्नी का रूप लिया, और जो देवी सती, जो बाद में पार्वती भी हुई, उन्होंने भगवान शंकर की पत्नी का रूप लिया। उन्होंने बताया कि क्या क्या कार्य उनको करना है। ब्रह्मा जी को कार्य दिया गया सृष्टि के जन्मदाता का, और उसके बाद भगवान विष्णु को कार्य दिया गया सृष्टि पालन का, सबका पालन का, संसार के पालन का, और भगवान शंकर को कार्य दिया गया इस संसार के संहारक के रूप में, संहारक के रूप में। और साथ ही देवी सिद्धि धात्री ने बताया कि जो उनकी पत्नियां हैं वो ही उनकी शक्तियां हैं, उन शक्तियों के द्वारा ही वो अपने संसार में अपने सारे कार्य को वो पूरा कर पाएंगे। ऐसे ही हर परिवार में जो पत्नी होती है वो पति के लिए हमेशा देवी ही होती है, हर पत्नी वही होती है जो अपने पति को इतना सपोर्ट करती हैं और उनके हर
अच्छे कार्य में उनकी सहायता करती है। तभी ये कहा जाता है कि हर सफल मानव के पीछे, हर सफल मनुष्य आदमी के पीछे जो है एक शक्ति, यानी कि उनकी एक औरत का ही हाथ होता है। तो देवी जो है वो शक्ति के रूप में सभी देवताओं की पत्नी के रूप में प्रकट हुई और इसी से सृष्टि का चलन शुरू हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शंकर ने देवी सिद्धि धात्री की पूजा की, उन्होंने उनके लिए तपस्या की और उनका आधा जो रूप है, जो वो भगवान शिव और आधा रूप कहा जाता है कि देवी सिद्धि धात्री का ही बना जब वो अर्ध नारीश्वर हो गए। तो देवी से सिद्धियां प्राप्त करने के पश्चात भगवान शंकर ने अर्ध नारीश्वर का रूप धारण किया। देवी सिद्धि धात्री की जो सिद्धियां हैं वह 8 सिद्धियां हैं और मार्कंडे पुराण के अनुसार इन सिद्धियों के नाम इस प्रकार है: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, ईश्वत्व और वशित्व। ये जो सिद्धियां हैं ये देवी सिद्धि धात्री की पूजा करने के पश्चात, उनका ध्यान करने के पश्चात, उनको ध्यान के द्वारा ईश्वर कब प्रसन्न होते हैं? ईश्वर तभी प्रसन्न होते हैं जब हम उनको, उनका सर्वश्रेष्ठ माध्यम पूजा का जो है वो ध्यान है, उनके द्वारा उनको प्राप्त करने की, उनको अनुभव करने की कोशिश करते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो वो अपनी जो ईश्वर का जो उनकी सिद्धियां हैं या जो भी वो वरदान देना चाहे वो देते हैं। ऐसे ही देवी माँ सिद्धि धात्री की जो 8 शक्तियां हैं, 8 सिद्धियां जो देवी देती हैं अपने भक्तों को प्रदान करती हैं, अपने फॉलोअर्स को देती हैं, वो इस प्रकार से तो हैं, जिन्होंने नाम तो हमने अभी पढ़ा है, इसके बारे में थोड़ा सा और अर्थ भी जानते हैं। देवी जब अणिमा सिद्धि का जो प्रसाद अपने भक्तों को देती है तो उसका मतलब है सूक्ष्मता को प्राप्त कर लेना, और महिमा का अर्थ है व्यक्ति अपने शरीर को जितना चाहे बड़ा कर सकता है, गरिमा व्यक्ति अपना गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ा लेता है, उसका वेट इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे कोई हिला भी नहीं सकता, और लघिमा सिद्धि से व्यक्ति, जिसको भी ये सिद्धि प्राप्त होती है तो वह व्यक्ति शरीर को इतना हल्का कर सकता है कि वह वायु में भी उड़ सकता है। प्राप्ति, प्राप्ति सिद्धि का अर्थ है काल के परे जाकर देख पाना। ऐसी प्राप्ति जिस व्यक्ति को होती है वह किसी का भी दिमाग भी पढ़ सकता है, वह दूर बैठकर, वो विजनरी हो जाता है, दूर बैठकर अपनी सारी चीजें भी वो कर सकता है, जैसे कि टेलीपैथी में हम देखते हैं वह पशु पक्षियों की भाषा भी समझ पाता है। प्राकम्य व्यक्ति जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, योगी एक बार में इतनी सांसें ले सकता है कि वह कई घंटों या दिनों तक मिट्टी या पानी के नीचे रह सकता है। अगर हम पुराणों का अध्ययन करें तो हम जानेंगे कि हमारे ऐसे बहुत संत पैदा हुए हैं जो पानी के नीचे बैठकर भी तपस्या कर पाते थे। वशित्व व्यक्ति किसी को भी, मनुष्य व्यक्ति किसी को भी पेड़ पौधों या पक्षियों को वशीभूत कर लेता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी भी पेड़ पौधों या पक्षियों को वशीभूत कर सकता है, उनके व्यवहार को अपने हिसाब से बदल सकता है, उनको डायरेक्ट कर सकता है। और फाइनली जो सिद्धि है वो ईशत्व है। इस सिद्धि के पश्चात व्यक्ति ईश्वर स्वरूप हो जाता है। भगवान हनुमान के बारे में जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो हम सबको पता है, हमने बहुत बार पढ़ा भी है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता। तो भगवान हनुमान को माता सिद्धि धात्री से सीता माता के रूप में यह सिद्धि प्राप्त हुई है। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जो है
भगवान हनुमान हैं उनके हम कैरेक्टर में सारी वो चीजें देख सकते हैं जिन सिद्धियों का वर्णन अभी यहाँ पर किया गया है। तो जैसा कि हमने बात की कि अभी हम माता सिद्धि धात्री के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उनकी सिद्धियों के बारे में बात कर रहे हैं, और इतने 9 दिन तक हमने प्रत्येक देवी के बारे में जाना, उनकी विशेषताओं के बारे में जाना, और जब ये इतने पावन दिन हैं तो क्यों ना हम उनको भी अनुभव करें, उस देवी को अनुभव करने की कोशिश करें, उनको प्रार्थना करें। हर समय हम जब कथा करते हैं, जब आरती करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है अपने आप को, क्योंकि हम जब वो पढ़ रहे होते हैं, जब कथा कर रहे होते हैं, अपने आप को अच्छा लगता है क्योंकि हम बोल रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं, हम ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। पर देवी माँ को, ईश्वर को सुनना भी चाहिए, वो क्या कहना चाहते हैं वो सुनना अति आवश्यक है, और वो हम तब सुन पाएंगे जब हम मौन रहकर उनका ध्यान करेंगे, और ध्यान के माध्यम से ही ईश्वर को अनुभव करना, उनको सुनना, उनको आत्मसात करना ही मुमकिन है। ऐसा ही बताया गया है हमारे सारे ग्रंथों में, हमारी सारी रिलीजियस बुक्स में। तो हार्टफुलनेस जो है, इसी कार्य को करते हुए आज नवरात्रों के अवसर पर आप सबको भी इसका अनुभव करवाना चाहते हैं हम हार्टफुलनेस की ओर से। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, आज आखिरी दिन है नवरात्रे का, तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से आप इस जो हम ध्यान करवाने जा रहे हैं उसको करें, और देवी माँ से प्रार्थना करें कि ये जो ध्यान हम करने जा रहे हैं हम उनको महसूस कर सकें, हम इस ध्यान का अनुभव भी कर सकें और इस ध्यान को अच्छे से कर सकें। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जैसा जैसा हम बताते जा रहे हैं आपको, वैसा वैसा आप करते जाइए और देवी माँ को महसूस करने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें बहुत हल्के से कोमलता से बंद कर ले। महसूस करें कि जहां पर भी आप बैठे हैं वहीं से धरती माँ से आरोग्य ऊर्जा ऊपर की ओर आ रही है, और आपके पैरों से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। और आपके पैर तनाव मुक्त हो रहे हैं, ऊर्जा पैरों से ऊपर घुटनों की ओर जा रही है, और आपकी टांगों के निचले भाग को आराम पहुंचा रही है। आपके घुटने आराम का अनुभव कर रहे हैं। घुटनों से होते हुए ऊर्जा जांघों की ओर जा रही है। आपकी कमर आपकी पीठ और फिर पूरी पीठ, महसूस करें कि कैसे आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है। ऊर्जा पीठ से होते हुए पेट की ओर आ रही है। आपका चेस्ट एरिया
कवर कर रही है। कंधों को ढीला छोड़ दे, महसूस करें कि कैसे आपके कंधे हल्के होकर पिघल रहे हैं। ऊर्जा कंधों से होते हुए बाहों की ओर जा रही है। ऊपर की बाहें, कोहनी, आगे की बाहें, आपका रिस्ट एरिया, हाथ, उंगलियां और उंगलियों के पारों से बाहर की ओर फ्लो कर रही है। गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। गर्दन से होते हुए ऊर्जा आपके फेस की ओर जा रही है। चिन, माउथ, जबड़ा, पेशियां, कान, नाक, आँखें, माथा, सिर के ऊपर शिखर और फिर पूरा सिर। महसूस करें कि कैसे आपका पूरा शरीर सिर से लेकर पैर तक बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। अब अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाओ बहुत आराम से, और महसूस करें कि आपका जो हृदय है दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है और यह प्रकाश आपको अपनी ओर खींच रहा है। और आप इसमें खींचते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। समाहित होते चले जा रहे हैं। कृपया ध्यान शुरू करें।
अब धीरे धीरे इस ध्यान की अवस्था से आप बाहर आए, अपनी आंखें बंद ही रखें अभी। और महसूस करें, ध्यान करने के दौरान जैसा आपको लग रहा था वही अवस्था आपके पूरे शरीर में फैल रही है। महसूस करें इस अवस्था को कि ध्यान के दौरान जो आपको प्राप्त हुई देवी माँ की कृपा से, वही अवस्था आपके पूरे शरीर के प्रत्येक कण में फैल रही है। महसूस करें। और महसूस करें कि यही अवस्था जहां आप बैठे हैं वही पूरे वातावरण में फैल रही है। पूरा वातावरण इसी अवस्था में डूब रहा है। इस दिव्यता में डूब रहा है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो यह थी माँ सिद्धिदात्री की के बारे में कुछ उनकी कथा और उनकी सिद्धियों के बारे में वर्णन। आज नवरात्रि के अंतिम दिन हमने माँ सिद्धिदात्री के बारे में जाना और ध्यान के माध्यम से हमने उनको अनुभव करने की भी कोशिश की। प्राचीन काल के इतिहास में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि कितना महत्वपूर्ण है ध्यान करना। केवल हम ही ना बोले, उनको सुने भी और उनको अनुभव करने की भी कोशिश करें। इसके द्वारा ही हम अपने आप में आंतरिक परिवर्तन भी देखते हैं। जो देवी माँ की सिद्धियों की बात हो रही है उनको प्राप्त करने के लिए तो माध्यम ध्यान ही है। ध्यान तो करना ही होगा, क्योंकि माँ को अगर अनुभव करना है तो ये करना है। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो 9 दिन आपने सबने रोज जो ध्यान किया, रोज ध्यान करते करते अब 9वें दिन तक तो आपको जरूर इस बात का एहसास होने लगेगा कि जो ध्यान करना है वो पूजा अर्चना का एक अभिन्न अंग है। ध्यान करना इसलिए भी जरूरी है कि जब हम ध्यान करते करते अपने में आंतरिक परिवर्तन देखने लगते हैं, तो जब आंतरिक परिवर्तन के द्वारा हम देखते हैं कि हम अपने सांसारिक जीवन को भी बहुत अच्छी तरह से जी पाते हैं, उसको अच्छी तरह से हर परेशानी को घर परिवार बाहर ऑफिस हर परेशानी निभा पाते हैं, यही होता है जब हम अपनी देवी माँ की, जब हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं या उनकी पावर्स हमें मिलने लगती हैं। पावर्स मिलने का मतलब यही है कि हम जब खुद इतने संपूर्ण बनने लगते हैं कि हर परेशानी का हल हम खुद कर पाते हैं और वो केवल ध्यान के माध्यम से संभव हो पाता है। तो मैं जरूर आशा करूंगी कि ये जो 9 दिन की जर्नी आप सबने ध्यान के द्वारा जो इतना अनुभव किया, डेली जो ध्यान किया, आप जरूर उसको कंटिन्यू रखेंगे और अपने जीवन में अपने लाइफस्टाइल में उतारने की भी कोशिश करेंगे। तो हार्टफुलनेस टीम की ओर से आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो है, कल विजयदशमी का दिन है और रावण जो दहन का दिन है, तो कल हम जरूर मिलेंगे। और कल हम जो हमारे साथ 9 दिनों से हमारे जो सिस्टर्स आकर
देवी माँ के बारे में जिन्होंने जानकारी दी, जिन्होंने ध्यान करवाया, वो सब आके आपसे ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि कल जो है कल सेलिब्रेशन का दिन है, और सेलिब्रेट हम करेंगे जब अच्छाई की बुराई पर विजय को। तो कल ज़रूर हम मिलेंगे, और मैं आपसे आशा करती हूँ कि कल दिन की शुरुआत भी आप कुछ समय निकाल कर ध्यान से करें, क्योंकि बहुत अच्छा दिन है जब भगवान राम को याद करेंगे, उनके जीवन को याद करेंगे, उनके जीवन में उनके जीवन के जो बहुत गुण रहे हैं वो हम सब अपने आप में आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। तो कल आप ज़रूर हमारे साथ इसी समय 5 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें, और ध्यान के माध्यम से ईश्वर को अनुभव करने का, देवी माँ को अनुभव करने का ज़रूर आप प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।